फ्रेंड्स, मैं नामिका मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम 3-in-1 गर्ल्स बैकपैक स्टिच करेंगे, जो कुछ इस तरह से है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 3-in-1 गर्ल्स बैकपैक स्टिच किया है। देखिए फ्रेंड्स, साइड में हमने 2 जिप से पॉकेट्स दी हैं, इसको हम ओपन कर लेंगे और इस पॉकेट में देखिए अपना कोई भी सामान इसमें सेट करते हुए जिप से इसको लॉक कर दीजिए और ऐसे ही इस पॉकेट में भी अपने सामान को सेट करते हुए इसको भी जिप से लॉक कर दीजिए। और हमने देखिए बैक साइड में भी एक जिप से पॉकेट दी है, इसको भी ओपन कर लेंगे और इस पॉकेट में भी देखिए अपना कोई भी सामान सेट करते हुए इसको भी यहाँ से देखिए ऐसे लॉक कर दीजिए और सेंटर में हम देखिए इसको ओपन करेंगे। और इसमें देखिए अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस दिया है, इस साइड अपना ज़्यादा से ज़्यादा सामान इसमें आप सेट करते हुए रख सकती हैं। और एक हमने इस साइड यहाँ पर देखिए इनर पॉकेट दी है, इसको भी ओपन करेंगे और इस पॉकेट में भी अपना कुछ भी सेट करते हुए जिप से इसको भी लॉक कर दीजिए। इस साइड भी अपने सामान को इसमें सेट करते हुए इसको भी यहाँ से देखिए ऐसे लॉक कर दीजिए। एक ओपन पॉकेट हमने देखिए इस साइड से दी है और ऐसे ही इस साइड भी ओपन पॉकेट है। दोनों पॉकेट्स में बॉटल वगैरह कुछ भी सेट करते हुए आप इसमें रख सकती हैं। इस बैग को हम देखिए इस हैंडल से कैरी कर सकते हैं, इसको हम इस हैंडल से शोल्डर से कैरी कर सकते हैं और इन दोनों स्ट्रैप से हम इसको दोनों शोल्डर से भी कैरी कर सकते हैं। देखिए एडजस्ट करते हुए लॉन्ग या शॉर्ट अपने हिसाब से एडजस्ट करते हुए दोनों शोल्डर से भी कैरी कर सकते हैं। ये बैग काफ़ी यूज़फुल है फ्रेंड्स और बहुत ही यूनिक लगता है देखने में। फ्रेंड्स, इस बैग को हमने लेदर फैब्रिक से स्टिच किया है, बट आप इसको कुल्ड करके फैब्रिक से भी स्टिच कर सकती हैं। फ्रेंड्स, इस बैग को स्टिच करने के लिए हमने 1 मीटर मेन फैब्रिक और 1 मीटर लाइनिंग फैब्रिक का यूज़ किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोज़ में कोई भी हैंड बैग, ट्रेवल बैग या कोई भी बैग पसंद आ रहा हो तो आप मेरे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके उस बैग को परचेज कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा 3-in-1 गर्ल्स बैग पैक पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आज हम ये 3-in-1 गर्ल्स बैग पैक स्टिच करेंगे, लेट्स स्टार्ट द वर्क। गर्ल्स बैग पैक बनाने के लिए हमने 12x15.5 का 2 मेन फैब्रिक्स लिया है। फ्रेंड्स, ये हमने लेदर फैब्रिक लिया है, बट आप कुल्ट करके भी इस बैग को स्टिच कर सकती हैं। जैसे हमने मेन फैब्रिक को लिया है वैसे ही आप कुल्टेड पीस लेते हुए इस बैग को स्टिच करिएगा। तो हमें 12x15.5 का 2 मेन फैब्रिक्स लेना है और 2 हमें प्लेन पीस लेना है 12x15.5 का। ये हमने 5.5x13.5 का 2 मेन फैब्रिक्स लिया है और 2 हमने ये प्लेन पीस लिया है 5.5x13.5 का। और ये हमने 5.5x12 का देखिए एक मेन फैब्रिक लिया है और एक हमने प्लेन पीस लिया है 5.5x12 का। और ये हमने 5.5x7 का 2 मेन फैब्रिक्स लिया है और 2 हमने प्लेन पीस लिया है 5.5x7 का। ये हमने 4x4 का एक मेन फैब्रिक लिया है और ये हमने 2.5x27 का देखिए एक मेन फैब्रिक लिया है। ये हमने 12 इंच का एक हैंडल लिया है और ये हमने 2x12 का देखिए एक मेन फैब्रिक लिया है और ये हमने 10x15 का देखिए एक प्लेन पीस लिया है और ये 8x14 का हमने एक प्लेन पीस लिया है। 6x11.5 का हमें 2 प्लेन पीस लेना है और 5.5x11.5 का हमें 2 प्लेन पीस लेना है। ये हमने 12 इंच की जिप ली है और इसमें हमें सिंगल लाइनर लेना है और ये हमने 10 इंच की 3 जिप ली है और तीनों में हमें सिंगल लाइनर लेना है। 8 इंच की ये हमने जिप ली है और इसमें भी हमें सिंगल लाइनर लेना है। 4 इंच की ये हमें 2 बेल्ट लेनी है। 6 इंच की ये हमें 2 बेल्ट लेनी है और 30 इंच की ये हमें 2 बेल्ट लेनी है। 2 हमें एडजस्टर लेना है और 4 हमें डी रिंग्स लेने हैं। देखिए 4 हमें डी रिंग्स लेने हैं और 2 हमें एडजस्टर लेना है और 1.5x3 का हमें एक मेन फैब्रिक लेना है। सबसे पहले हम 12x15.5 का ये मेन फैब्रिक लेंगे। ये 12 का साइड है और ये 15.5 का साइड है। तो हम देखिए 15.5 की साइड में इस साइड से यहाँ पर 4 इंच पे मार्क करेंगे। ऐसे हम मार्क करते हुए साइड सीधे मार्क कर लेंगे। 4 इंच पे डाउन करते हुए हमने देखिए सीधे मार्क कर लिया है और अब जो हमने मार्क किया है इसे हम कट कर लेंगे।
मार्क वाली लेंथ भी हमने देखी इस फैब्रिक को कट कर लिया है। और अब हम ये वाला पार्ट लेंगे और इसमें हम इस साइड से यहाँ पर 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। ऐसे हम सीधे मार्क कर लेंगे 5.5 इंच पे। इस साइड हमने देखिए 5.5 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लिया है। और ऐसे ही इसकी दूसरी साइड से भी हम 5.5 इंच पे देखिए ऐसे सेट करते हुए सीधे मार्क कर लेंगे। इस साइड भी हमने 5.5 इंच पे डाउन कर लिया है। और अब देखिए जो मार्क किया है मार्क वाली लाइन पे हम इसको कट कर लेंगे। दोनों मार्क वाली लाइन पे हमने देखिए इस फैब्रिक को कट कर लिया है। और अब देखिए इसमें से हम ये पार्ट लेंगे और 10 इंच की ये हम 2 जिप लेंगे और 1.5/3 का ये मेन फैब्रिक लेंगे। और इस फैब्रिक को हम देखिए 3 की साइड में ऐसे फोल्ड करेंगे और सेंटर से इसे कट कर लेंगे। इस फैब्रिक को हमने देखिए सेंटर से कट कर लिया है। और अब देखिए ये हम जिप लेंगे और जिप के ऊपर हम इस फैब्रिक को ऐसे रखेंगे। देखिए दोनों राइट साइड एक साइड में होगा और दोनों पार्ट्स को सेट करते हुए स्टिच करके अटैच कर देंगे। और ऐसे ही दूसरे फैब्रिक को हम दूसरी जिप में ऐसे सेट करते हुए इसमें अटैच कर देंगे। दोनों जिप में हमने देखिए फैब्रिक को स्टिच करके अटैच कर दिया है। और अब देखिए इस फैब्रिक को हम फ्रंट साइड में ऐसे टर्न करेंगे और इस साइड स्टिच करके इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। और ऐसे ही इस पार्ट में भी हम स्टिच करके दाब सिलाई दे देंगे। दोनों जिप में हमने देखिए दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लिया है। और अब देखिए ये हम फैब्रिक लेंगे 5.5/11.5 का ये दोनों फैब्रिक्स लेंगे। इसमें से एक पार्ट को लेंगे और जिप को हम देखिए ऐसे सेट करेंगे और इसके ऊपर हम प्लेन पीस को ऐसे सेट करते हुए सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। और ऐसे ही इस पार्ट में भी जिप और मेन फैब्रिक को लेते हुए अटैच कर देंगे। दोनों पार्ट्स में हमने जिप और प्लेन पीस को देखिए अटैच कर दिया है। और अब देखिए इसको हम प्लेन पीस को बैक साइड में ऐसे हम प्रेस कर देंगे और इस साइड हम दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लेंगे। और ऐसे ही इस पार्ट को भी हम बैक साइड में करते हुए इसमें भी हम दाब सिलाई दे देंगे। दोनों पार्ट्स में हमने देखिए दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लिया है। और अब देखिए ये हम 6/11.5 का प्लेन पीस लेंगे और इस प्लेन पीस को हम देखिए ऐसे रखेंगे। ये प्लेन पीस का राइट साइड है और इसके ऊपर इस पार्ट को ऐसे सेट करेंगे। ऐसे सेट करना है और ये जो हमने फैब्रिक कट किया था इस फैब्रिक को हम जिप की दूसरी साइड में ऐसे सेट करते हुए सीधे स्टिच करके प्लेन पीस और मेन फैब्रिक को इसमें अटैच कर देंगे। इस फैब्रिक को और प्लेन पीस को देखिए स्टिच करके हमें जिप की दूसरी साइड में अटैच कर दिया है। और अब देखिए ये जो मेन फैब्रिक है इसको हम ऐसे फ्रंट साइड में टर्न करके इस साइड हम प्रेस कर लेंगे और दाब सिलाई देते हुए साइड हम स्टिच कर लेंगे। और ये जो प्लेन पीस है वो हमारा ऐसे डाउन रहेगा और इसके ऊपर हम दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लेंगे। इस साइड भी हमने देखिए दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लिया है। और अब देखिए ये दूसरा जिप वाला पार्ट लेंगे और जिस साइड हमने देखिए फैब्रिक को अटैच किया था जिप में देखिए इस साइड अटैच किया है। ये दोनों पार्ट्स हमारे एक साइड में होने चाहिए। दोनों पार्ट्स को देखिए ऐसे हम सेट करेंगे और ये जो प्लेन पीस है प्लेन पीस को हम जिप वाले पार्ट के ऊपर ऐसे सेट करते हुए स्टिच करके अटैच कर देंगे दोनों पार्ट्स को। दोनों पार्ट्स को हमने देखिए स्टिच करके अटैच कर दिया है। और अब देखिए इसको हम फ्रंट साइड में करेंगे और ये जो स्टिच लाइन है स्टिच लाइन को हम इस साइड ऐसे टर्न करते हुए पहले प्रेस कर लेंगे और फ्रंट साइड में आएंगे और इस साइड में जो सेंटर वाले पार्ट में हमने अटैच किया था उस पार्ट में हम सीधे स्टिच करके इसमें दाब सिलाई दे देंगे। इस साइड हमने देखिए दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लिया है। देखिए जो स्टिच लाइन है इसे हमें ऊपर की साइड में ऐसे अपर की साइड में करते हुए इसमें हमें दाब सिलाई देनी है। और ये प्लेन पीस देखिए दोनों प्लेन पीस इस साइड होगा और दोनों प्लेन पीस हमारा इस साइड होगा। और अब देखिए हम जिप को ओपन करके दोनों जिप में रनर डाल लेंगे। दोनों जिप पे हमने देखिए रनर डाल लिया है। और अब देखिए ये वाला पार्ट लेंगे जिसको हमने इस फैब्रिक से 4 इंच पे डाउन करते हुए पहले कट किया था। और इस फैब्रिक को हम देखिए ऐसे सेट करेंगे, इसके ऊपर ऐसे सेट करते हुए सीधे स्टिच करके इसमें अटैच करेंगे। और ये जो प्लेन पीस है दोनों प्लेन पीस को देखिए ऐसे हमें सेट करते हुए दोनों पार्ट्स को हमें अटैच करना है। दोनों पार्ट्स को हमने देखिए सीधे स्टिच करके अटैच कर दिया है। और अब देखिए इस फैब्रिक को ऐसे डाउन करेंगे और इस साइड हम प्रेस कर लेंगे और दाब सिलाई देते हुए साइड हम स्टिच कर लेंगे। इस साइड हमने देखिए दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लिया है। और अब देखिए फ्रेंड इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से देखिए हल्का सा इस फैब्रिक का पार्ट थोड़ा सा बढ़ा है तो इसको हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से हमें कट करना है। देखिए पहले मार्क कर लेंगे, हल्का सा हमें कट करना है ऐसे करते हुए। इसमें पहले हम मार्क कर लेंगे एक्स्ट्रा पार्ट को।
ये देखिए ये हमने मार्क कर लिया है, ऐसे इस साइड भी मार्क करके दोनों साइड से इस फैब्रिक को हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। दोनों साइड से एक्स्ट्रा पार्ट को हमने कट कर लिया है। इसकी विड्थ हमें 12 इंच रखनी है। जिप लगाने से थोड़ा सा दोनों साइड से पार्ट बढ़ गया था, इसलिए हमने दोनों साइड से कट किया है। और अब देखिए ये जो प्लेन पीस का पार्ट ओपन है, इसको हम इस साइड से ऐसे स्टिच करते हुए दोनों साइड से प्लेन पीस को हम इसमें अटैच कर देंगे। थ्री साइड से स्टिच करते हुए हमने देखिए दोनों पॉकेट्स के प्लेन पीस को इसमें अटैच कर दिया है मेन फैब्रिक में। और अब देखिए हमारे दोनों साइड से टू पॉकेट्स बन के रेडी हो गई हैं, एक पॉकेट इस साइड से और एक पॉकेट हमारी इस साइड से बन के रेडी हो गई है। जिप से इसको हम लॉक कर देंगे। और अब देखिए इसका हम दूसरा पार्ट लेंगे, 12x15.5 का ये हम दूसरा पार्ट लेंगे। और इसको हम 15.5 की साइड में देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए इसमें हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। इस साइड हमने देखिए सेंटर का मार्क कर लिया है और सेंटर से हम यहाँ पर 1 इंच पे डाउन करेंगे। ऐसे हम डाउन करते हुए साइड हम सीधे मार्क कर लेंगे। 1 इंच पे डाउन करते हुए साइड हमने देखिए मार्क कर लिया है। और अब देखिए ये हम 10x15 का प्लेन पीस लेंगे और इसको हम 10 की साइड में ऐसे फोल्ड करते हुए इसमें भी हम सेंटर का मार्क कर देंगे। प्लेन पीस में भी हमने सेंटर का मार्क कर लिया है। और अब इस प्लेन पीस को हम देखिए 1 इंच पे डाउन करते हुए और सेंटर के मार्क से मिलाते हुए ऐसे हम सेट करेंगे और पिन अप कर लेंगे। पिन से हमने देखिए प्लेन पीस को सेट कर दिया है। और अब देखिए हम प्लेन पीस में इस साइड से यहाँ पर 1 इंच पे डाउन करेंगे। इस साइड हमने देखिए 1 इंच पे डाउन कर लिया है। और अब देखिए सेंटर के मार्क से और 1 इंच डाउन करते हुए हम 4.5 इंच इस साइड से और 4.5 इंच इस साइड से, यानी हम 9 इंच पे यहाँ पर हम सीधे मार्क कर लेंगे। इस साइड हमने देखिए 9 इंच में मार्क कर लिया है। और अब हाफ से हाफ इंच इस साइड से और हाफ से हाफ इंच इस साइड से दोनों साइड से मार्क करते हुए एक बॉक्स बना लेंगे। मार्क करके हमने देखिए बॉक्स बना लिया है। और अब देखिए बॉक्स के चारों साइड से स्टिच करके प्लेन पीस को हम इसमें अटैच कर देंगे। बॉक्स के चारों साइड से स्टिच करके प्लेन पीस को हमने इसमें अटैच कर दिया है। और अब देखिए हमने सेंटर में जो मार्क किया था 9 इंच पे, उस मार्क वाली लाइन पे हल्का सा कट लगा लेंगे और इसको हम ओपन करेंगे। और अब हम सीधे कट करते हुए दोनों कॉर्नर्स में वी शेप में कट कर लेंगे। सीधे कट करते हुए हमने दोनों कॉर्नर्स में वी शेप में कट कर लिया है। और अब हम पिन को ओपन करेंगे और प्लेन पीस को हम बैक साइड में पिन अप कर लेंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए बैक साइड में पिन अप कर लिया है। और अब देखिए 10 इंच की ये हम तीसरी जिप लेंगे और इस जिप को हम ऐसे रखेंगे। राइट साइड अंदर की साइड में देखिए ऐसे सेट करते हुए हम फ्रंट साइड में आएंगे और जिप को सेट करते हुए हम ऐसे राउंड में स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे मेन फैब्रिक में। जिप को हमने देखिए सेट करते हुए अटैच कर दिया मेन फैब्रिक में। और अब देखिए हम बैक साइड में आएंगे और पिन को ओपन कर लेंगे और इस फैब्रिक को हम देखिए ऐसे टर्न कर लेंगे और इस साइड हम ऐसे प्रेस कर लेंगे। और अब देखिए प्लेन पीस को हम ऐसे 3 साइड से स्टिच करके लॉक कर देंगे और ये जो मेन फैब्रिक है इसे हम देखिए ऐसे हटाते हुए स्टिच करके प्लेन पीस को लॉक कर देंगे। 3 साइड से स्टिच करके हमने देखिए प्लेन पीस को लॉक कर दिया है। और अब देखिए हम फ्रंट साइड में आएंगे और ये पॉकेट हमारी यहाँ पर स्टिच हो गई है, इसको हम देखिए ऐसे लॉक कर देंगे। और जिस साइड से देखिए रनर का डायरेक्शन अपर के साइड में जाएगा, उसकी इस साइड में हमें यहाँ पर 1.5 इंच में देखिए मार्क करना है। ऐसे हम यहाँ पर डाउन करते हुए सीधे मार्क कर लेंगे। 1.5 इंच पे डाउन करते हुए साइड हमने देखिए मार्क कर लिया है। और अब देखिए इस साइड से हम यहाँ पर सेंटर का मार्क करेंगे, यानी हम 6 इंच पे यहाँ पर ऐसे मार्क कर लेंगे। ये सेंटर का मार्क है। 12 इंच का ये हैंडल लेना है और 30 इंच की ये हमें बेल्ट लेनी है। पहले इस बेल्ट को हम देखिए सेंटर के मार्क से एक बेल्ट को हम इस साइड ऐसे सेट करेंगे और पिन अप कर लेंगे। और ऐसी दूसरी बेल्ट को हम सेंटर के मार्क से इस साइड यहाँ पर देखिए ऐसे सेट करते हुए पिन अप कर लेंगे। पिन से हमने देखिए इस बेल्ट को इसमें सेट कर दिया है। और अब देखिए 2x12 का ये हम मेन फैब्रिक लेंगे और इस फैब्रिक को हम मार्क वाली लाइन पे देखिए ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पर सेट करते हुए सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। सीधे स्टिच करके हमने बेल्ट के साथ इस फैब्रिक को भी इसमें अटैच कर दिया है। और अब देखिए ये जो हैंडल है, हैंडल को हम देखिए इस बेल्ट की इस साइड यहाँ पर ऐसे रखेंगे और इसके दूसरे साइड वाले पार्ट को हम दूसरी साइड में देखिए ऐसे सेट करेंगे। और ये फैब्रिक है, इसको हम देखिए ऐसे टर्न करेंगे।
और इस साइड से भी हम देखिए थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ऐसे फोल्ड करते हुए इस फैब्रिक को हमें दोनों साइड से सीधे स्टिच करके अटैच करना है और हैंडल को हम देखिए सेट करते हुए इस साइड स्टिच करके इसमें इसके साथ में अटैच कर देंगे। इस फैब्रिक को फोल्ड करते हुए हैंडल के साथ में देखिए अटैच कर दिया है और इस साइड से हमने दाब सिलाई दे दी है। और अब देखिए ये हैंडल और ये दोनों बेल्ट इसी के साथ इसमें अटैच हो गई हैं। और अब देखिए हमें 4x4 का ये मेन फैब्रिक लेना है और इस फैब्रिक को हम देखिए ऐसे कॉर्नर से मिलाते हुए ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पर देखिए ऐसे प्रेस कर लेंगे और इसको देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए इस साइड हम सेंटर से इसको कट कर लेंगे। सेंटर से हमने देखिए इस फैब्रिक को कट कर लिया है और अब देखिए हम ये 2 D-rings लेंगे और 6 inch की ये हम बेल्ट लेंगे और इस बेल्ट में हम D-ring को देखिए ऐसे सेट करेंगे और इस पार्ट को हम देखिए ऐसे रखेंगे। देखिए सेंटर में हमें इस फैब्रिक के ऊपर ऐसे रखना है और इसको ऐसे फोल्ड करना है और इस साइड स्टिच करके दोनों पार्ट्स को इसमें अटैच कर देंगे और ऐसे ही बेल्ट में हम D-ring को सेट करते हुए इसमें भी अटैच कर देंगे। दोनों पार्ट्स में हमने देखिए बेल्ट को अटैच कर दिया फोल्ड करते हुए और इसको अब देखिए हम फ्रंट साइड में ऐसे टर्न कर लेंगे और इसको हम देखिए ऐसे प्रेस कर लेंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स इस साइड हम दाब सिलाई देते हुए ऐसे स्टिच करके इस फैब्रिक को हम यहाँ से लॉक कर देंगे और ऐसे इस फैब्रिक को भी फोल्ड करते हुए हम इसमें दाब सिलाई देते हुए लॉक कर देंगे। दोनों पार्ट्स में हमने देखिए दाब सिलाई देते हुए स्टिच करके साइड से देखिए लॉक कर दिया है और ये बेल्ट देखिए इसमें अटैच हो गई है और ऐसे ही इस पार्ट पर भी देखिए अटैच हो गई बेल्ट। और अब देखिए इस साइड से हम यहाँ पर डबल स्टिच करके बेल्ट को हम इस साइड से लॉक कर देंगे और ऐसे ही इस पार्ट पर भी हम बेल्ट को लॉक कर देंगे। दोनों बेल्ट को हमने देखिए साइड स्टिच करके लॉक कर दिया है और अब देखिए इसके एक पार्ट को हम यहाँ पर जो कॉर्नर है कॉर्नर पे हम देखिए ऐसे सेट करते हुए यहाँ पर अटैच कर देंगे और ऐसे ये जो पार्ट है इसको भी हम देखिए इस कॉर्नर पे ऐसे सेट करते हुए अटैच कर देंगे। देखिए ये जो बेल्ट वाला पार्ट है वो हमारा अपर की साइड में होगा, दोनों बेल्ट वाला पार्ट देखिए अपर की साइड में होगा और दोनों पार्ट्स को हम इसमें स्टिच करके अटैच कर देंगे। दोनों कॉर्नर्स पे हमने देखिए सेट करते हुए अटैच कर दिया दोनों पार्ट्स को। देखिए ये जो बेल्ट जिस साइड हमने अटैच की है वो वाला पार्ट देखिए दोनों अपर की साइड में ऐसे होगा और अब देखिए इस बेल्ट में हमें एडजस्टर को सेट करना है तो ये हम एडजस्टर लेंगे और बेल्ट में हम पहले एडजस्टर को सेट करेंगे। दोनों बेल्ट पे हमने देखिए एडजस्टर को सेट कर लिया है और अब देखिए इस D-ring में हम इस बेल्ट को ऐसे डालेंगे और एडजस्टर को देखिए ऐसे थोड़ा सा बेल्ट को लूज कर लेंगे और इस साइड से देखिए अंदर की साइड में डालते हुए दूसरी साइड से इसको हम बाहर की साइड में कर लेंगे। और अब देखिए इस बेल्ट को हम यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करते हुए इस साइड ऐसे सेट करेंगे। देखिए इस बेल्ट पे हमें सेट करना है जिसको हमें अंदर की साइड में किया था और अब हम इसमें डबल स्टिच करके इसको यहाँ से लॉक कर देंगे और ऐसे ही इस बेल्ट को हम D-ring के साथ में स्टिच करके अटैच कर देंगे। बेल्ट को हमने देखिए फोल्ड करते हुए डबल स्टिच करके साइड से देखिए लॉक कर दिया है और बेल्ट देखिए एडजस्टर के साथ इसमें सेट हो गई है और ऐसे इस पार्ट पर भी हमने स्टिच करके देखिए लॉक कर दिया है। अब दोनों बेल्ट इसमें सेट हो गई हैं और अब हमें 12x15.5 का ये प्लेन पीस लेना है और ये हमें 8x14 का प्लेन पीस लेना है और इस प्लेन पीस को हम देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए इसमें हम पहले सेंटर का मार्क करेंगे। इसमें हमें यहाँ पर सेंटर का मार्क कर लिया है, देखिए ये सेंटर का मार्क है और सेंटर के मार्क से हम इस साइड यहाँ पर 3 inch पे डाउन करेंगे। ये हमने 3 inch पे डाउन किया और ये सेंटर का मार्क है। और अब देखिए इस प्लेन पीस को लेंगे और इसको भी हम देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए इसमें भी सेंटर का मार्क करेंगे। प्लेन पीस में भी हमने देखिए इस साइड से सेंटर का मार्क कर लिया है और अब देखिए इसको हम 3 inch पे डाउन करते हुए और सेंटर के मार्क से मिलाते हुए ऐसे सेट करेंगे और पिन अप कर लेंगे। पिन से हमने देखिए इस प्लेन पीस को सेट कर दिया है और अब देखिए इस साइड से हम यहाँ पर 1 inch पे डाउन करेंगे। ये हमने देखिए 1 inch पे डाउन किया और अब हम सेंटर के मार्क से 3.5 inch इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से यानी हम 7 inch पे इस साइड यहाँ पर सेट करते हुए सीधे मार्क कर लेंगे। इस साइड हमने देखिए 7 inch पे सीधे मार्क कर लिया है और अब हाफ से हाफ इंच इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से मार्क करते हुए हम एक बॉक्स बना लेंगे। मार्क करके हमने देखिए ये बॉक्स बना लिया है और अब देखिए फ्रेंड्स बॉक्स के चारों साइड से स्टिच करके प्लेन पीस को हम इसमें अटैच कर देंगे।
बॉक्स के चारों साइड से स्टिच करके प्लेन पीस को हमने देखिए इस फैब्रिक में अटैच कर दिया है। और अब देखिए इसको ऐसे फोल्ड करते हुए सेंटर में हमने जो 7 इंच मार्क किया था मार्क वाली लाइन पे ऐसे हम कट लगा लेंगे। और अब देखिए इसको हम ओपन करेंगे और सीधे कट करते हुए दोनों कॉर्नर्स में वी शेप में कट कर लेंगे। जैसे हमने पहले पॉकेट को अटैच किया था 10 इंच की जिप को अटैच किया था, वैसे ही इसमें भी हमें 8 इंच की जिप को अटैच करना है। कट करके 8 इंच की जिप को हम इस पॉकेट में स्टिच करके रेडी कर लेंगे। इस जिप को भी हमने देखिए इसमें अटैच कर दिया है और एक पॉकेट हमारी साइड भी इसमें स्टिच हो गई है। इसको हम लॉक कर देंगे। और अब देखिए ये हम फैब्रिक लेंगे जिसको अभी हमने स्टिच किया था, और इस हैंडल को हम देखिए ऐसे करेंगे और 12 इंच की ये हम जिप लेंगे। और इस जिप को हम देखिए ऐसे रखेंगे दोनों राइट साइड, देखिए एक साइड में ऐसे सेट करते हुए पहले हम जिप को इसमें अटैच कर देंगे। जिप को हमने देखिए स्टिच करके इसमें अटैच कर दिया है। और अब देखिए ये हम प्लेन पीस लेंगे और इस प्लेन पीस को हम जिप के ऊपर ऐसे सेट करते हुए इसमें स्टिच करके अटैच कर देंगे। प्लेन पीस को भी हमने देखिए सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर दिया है। और अब देखिए इसको हम ऐसे बैक साइड कर देंगे और ऐसे हम यहाँ पर प्रेस कर लेंगे। और अब देखिए इस साइड हम दाब सिलाई देते हुए सीधे स्टिच कर लेंगे। दाब सिलाई देते हुए साइड हमने देखिए स्टिच कर लिया है। और अब देखिए पहले जो प्लेन पीस है, प्लेन पीस को हम ऐसे यहाँ पर स्टिच करके इस फैब्रिक में अटैच कर लेंगे। 3 साइड से स्टिच करके हमने देखिए इस प्लेन पीस को इसमें अटैच कर दिया बैक साइड में। और अब देखिए जिप की दूसरी साइड में हमें दूसरे पार्ट को अटैच करना है। ये वाला पार्ट लेंगे जिसपे हमने इस पॉकेट को अटैच किया था और इसको हम इसमें ऐसे रखेंगे। देखिए दोनों राइट साइड एक साइड में होगा और हैंडल को देखिए ऐसे हमें टर्न करना है। और जिप की दूसरी साइड में इस फैब्रिक को देखिए ऐसे सेट करते हुए हम सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। इस साइड हमने देखिए सीधे स्टिच करके इस वाले पार्ट को इसमें अटैच कर दिया जिप की दूसरी साइड में। और अब देखिए हम ऐसे आएंगे दूसरी साइड में आएंगे और 12x15.5 का ये हम दूसरा प्लेन पीस लेंगे। और इस प्लेन पीस को हम देखिए ऐसे रखेंगे जिप के ऊपर, देखिए राइट साइड दोनों एक साइड में होगा और इसको हम ऐसे सेट करते हुए इसमें हम स्टिच करके अटैच कर देंगे। प्लेन पीस को भी हमने देखिए स्टिच करके इसमें अटैच कर दिया है। और अब देखिए इसको हम ऐसे ओपन करेंगे, ऐसे देखिए ओपन कर लेंगे और इस साइड हम देखिए ऐसे प्रेस कर लेंगे। देखिए प्लेन पीस को ऐसे हमें बैक साइड में सेट करना है और इस साइड हमें प्रेस करना है। और दाब सिलाई देते हुए स्टिच करेंगे और ऐसे हम चारों साइड से स्टिच करके इस प्लेन पीस को हम इसमें अटैच कर देंगे। इस फैब्रिक में भी हमने देखिए दाब सिलाई देते हुए ऐसे चारों साइड से स्टिच करके प्लेन पीस को हमने देखिए इसमें अटैच कर दिया बैक साइड में। देखिए दोनों साइड से प्लेन पीस इसमें अटैच हो गए हैं। और अब देखिए हम जिप को ओपन करेंगे और इसमें हम रनर डाल लेंगे। जिप पे हमने देखिए रनर डाल लिया है। और अब हमें 5.5x7 का ये दोनों मेन फैब्रिक्स लेना है और ये हमें प्लेन पीस लेना है। ये 5.5 का साइड है और ये 7 का साइड है। और ये प्लेन पीस लेंगे, प्लेन पीस को हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे दोनों राइट साइड, देखिए एक साइड में ऐसे सेट करते हुए स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। और ऐसे ही इस प्लेन पीस को हम इसमें सेट करते हुए अटैच कर देंगे। दोनों पार्ट्स में हमने देखिए प्लेन पीस को अटैच कर दिया है। और अब देखिए इसको हम बैक साइड में करेंगे प्लेन पीस को और इसको हम देखिए ऐसे प्रेस कर देंगे और इस साइड हम दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर देंगे। और ऐसे ही इस पार्ट में भी हम स्टिच कर लेंगे। दाब सिलाई देते हुए दोनों पार्ट्स में हमने देखिए स्टिच कर लिया है। और अब देखिए ये हम 5.5x13.5 का ये दोनों मेन फैब्रिक्स लेंगे और ये हम प्लेन पीस लेंगे। पहले हम इस फैब्रिक को लेंगे, देखिए इसमें से एक फैब्रिक को हमने शेप में कट किया है और अब हम इसको भी शेप में कट करेंगे। इस साइड से हम देखिए यहाँ पर 1 इंच पे मार्क करेंगे और ऐसे ही इस साइड से भी हम 1 इंच पे मार्क कर लेंगे। दोनों साइड से देखिए 1 इंच मार्क कर लिया है। और अब इस पॉइंट को हम इस कॉर्नर से ऐसे देखिए मिलाते हुए हम सीधे मार्क करेंगे। देखिए ऐसे हमें सेट करना है और यहाँ पर हमें सीधे मार्क करना है। इस साइड हमने देखिए मार्क कर लिया है और ऐसे इस साइड भी देखिए इस कॉर्नर को इस पॉइंट से मिलाते हुए मार्क कर लेंगे। इस साइड भी हमने देखिए मार्क कर लिया है। और अब देखिए दोनों मार्क वाली लाइन पे इस फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। मार्क वाली लाइन पे हमने देखिए दोनों साइड से कट कर लिया है। और अब देखिए ये जो कॉर्नर्स हैं दोनों कॉर्नर्स को देखिए ऐसे हमें सेट करना है
और यहाँ पर हल्का सा हमें शेप में कट करना है। ऐसे हम हल्का सा शेप में कट करेंगे। इस साइड हमने देखिए शेप में कट कर लिया है और ऐसे ही हमने देखिए इस फैब्रिक को भी शेप में कट किया है। और अब देखिए ये हम पार्ट लेंगे जिसको भी हमने स्टिच किया था और इसको हम देखिए बॉटम से सेट करेंगे और यहाँ पर हम पिनअप करेंगे। और इस फैब्रिक को हम देखिए इस साइड ऐसे सेट करते हुए यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और ऐसे हम थ्री साइड से स्टिच करके इसमें हम अटैच कर देंगे। और ऐसे ही इस पार्ट को भी हम बॉटम से सेट करते हुए इसमें हम अटैच कर देंगे। दोनों पार्ट्स में मैंने देखिए इस फैब्रिक को ऐसे सेट करते हुए अटैच कर दिया है। देखिए एक पॉकेट इसमें और ऐसे ही इस साइड भी देखिए एक पॉकेट बनके रेडी हो गई है। और अब देखिए ये हम प्लेन पीस लेंगे 5.5x13.5 का और इस प्लेन पीस को हम देखिए ऐसे सेट करेंगे, ऐसे सेट करेंगे और राउंड में स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। और ऐसे इस पार्ट में भी ऐसे सेट करते हुए इसमें हम अटैच कर देंगे प्लेन पीस को। राउंड में स्टिच करके हमने देखिए दोनों पार्ट्स में प्लेन पीस को अटैच कर दिया है। और अब देखिए प्लेन पीस का जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने कट कर लिया है और अब देखिए इस साइड से जिस साइड हमने शेप दिया था उस साइड हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें हम सेंटर का कट लगा लेंगे। और ऐसे इस पार्ट को भी फोल्ड करते हुए इसमें भी हम सेंटर का कट लगा लेंगे। दोनों पार्ट्स में हमने सेंटर का कट लगा लिया है और ऐसे इस साइड भी हम दोनों साइड से ऐसे देखिए फोल्ड करते हुए सेंटर का कट लगा लेंगे। इस साइड भी हमने दोनों पार्ट्स में सेंटर का कट लगा लिया है। और अब देखिए ये हम ये वाला पार्ट लेंगे और इसको हम देखिए ऐसे ओपन करेंगे और इसमें से एक फैब्रिक को हम देखिए यहाँ पर ऐसे सेट करेंगे। देखिए इस साइड जो ये वाला पार्ट अटैच किया है जिसमें हमने बेल्ट को अटैच की थी इसमें हमने जो दाब सिलाई दी है जिप में, इस जिप में जो दाब सिलाई दी है उस वाले पार्ट को हमें दाब सिलाई वाले जो पार्ट है इस पार्ट को हम सेंटर के कट से देखिए ऐसे मिलाते हुए ऐसे हम सेट करेंगे और पिनअप कर लेंगे। और अब देखिए हम सेंटर से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और इसको हम ऐसे सेट करते हुए इस साइड से और ऐसे ही इसकी दूसरी साइड वाले पार्ट को हम ऐसे यहाँ पर सेट करते हुए अटैच कर देंगे। और ऐसे ही दूसरा वाला जो पार्ट है उसको भी हम देखिए दाब सिलाई वाले पार्ट पे देखिए ये जो दाब सिलाई दी है यहाँ पर हम सेंटर के कट से मिलाते हुए ऐसे सेट करेंगे और दोनों साइड से ऐसे हम स्टिच करेंगे। इसके बाद वैसे हम स्टिच करके दोनों पार्ट्स को हम इसमें अटैच कर देंगे। शेप में स्टिच करके हमने देखिए इस साइड से और ऐसे इसकी दूसरी साइड में इस फैब्रिक को देखिए अटैच कर दिया है। और अब देखिए फ्रेंड्स ये जो बॉटम वाला पार्ट है इस साइड बॉटम की साइड में देखिए हल्का सा इस साइड थोड़ा सा पार्ट बढ़ा हुआ है, इसे हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने देखिए कट कर लिया है, देखिए हल्का सा हमें कट करना है। देखिए एक्स्ट्रा पार्ट हमने कट कर लिया है और अब देखिए फ्रेंड्स ये जो स्टिच लाइन है इसे हमें पाइपिंग से कवर करना है। तो ये हम पाइपिंग लेंगे 1.5 इंच की और इसे हम देखिए ऐसे रखेंगे इस साइड यहाँ पर ऐसे सेट करते हुए ऐसे हम स्टिच करके स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर कर देंगे। पाइपिंग को हमने देखिए एक साइड से ऐसे शेप में स्टिच करके देखिए अटैच कर दिया है। और अब देखिए इस पाइपिंग को हम ऐसे ओपन करेंगे साइड और इसको हम देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बार और देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए स्टिच लाइन पे ऐसे हम सेट करेंगे और ऐसे सेट करते हुए हम राउंड में स्टिच करके स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर कर देंगे। दोनों साइड से हमने देखिए स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर कर दिया है, देखिए साइड से भी कवर कर दिया है। और अब देखिए हम 5.5x12 का ये मेन फैब्रिक लेंगे और ये हम प्लेन पीस लेंगे और प्लेन पीस का ये रॉन्ग साइड है। दोनों रॉन्ग साइड देखिए एक साइड में ऐसे सेट करते हुए इसको हम राउंड में स्टिच करके प्लेन पीस को इसमें अटैच कर देंगे। राउंड में स्टिच करके हमने देखिए प्लेन पीस को इसमें अटैच कर दिया बैक साइड में। और अब देखिए इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से इसमें हम सेंटर का कट लगा लेंगे। दोनों साइड से हमने कट लगा लिया है और इस फैब्रिक को हम देखिए बॉटम में अटैच करेंगे और ये देखिए राइट साइड अंदर की साइड में होगा और इस साइड हमने देखिए सेंटर का कट लगाया था। दोनों कट्स को मिलाते हुए यहाँ पर हम पिनअप कर लेंगे।
और ऐसे इस साइड आएंगे और इस साइड भी देखिए ये जो कट लगाया था इसको हम इस कट से मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे अब इस फैब्रिक को भी हम देखिए सेट करते हुए राउंड में स्टिच करके अटैच करेंगे और जो स्टिच लाइन है उसे हम पाइपिंग से कवर कर देंगे। स्टिच करके हमने देखिए इस पार्ट को भी इसमें अटैच कर दिया है और स्टिच लाइन को देखिए पाइपिंग से कवर कर दिया है। देखिए अंदर का पार्ट नीटली अटैच हो गया है और अब हम देखिए जिप को ओपन करेंगे और इसको हम पलट कर राइट साइड कर लेंगे। इसको पलट कर हमने देखिए राइट साइड कर दिया है और अब देखिए इस साइड से ये जो पार्ट हमने अटैच किया था इस साइड हम यहाँ पर सेंटर में देखिए 2 इंच पे डाउन करेंगे। ये हमने डाउन किया, देखिए सेंटर में हमें ऐसे डाउन करते हुए यहाँ पर ऐसे मार्क करना है और ऐसे इस साइड भी हम 2 इंच पे डाउन कर लेंगे। इस साइड भी हमने देखिए 2 इंच पे डाउन कर लिया है। यहाँ पर हमें डीडिंग के साथ में बेल्ट को अटैच करनी है। ये हम देखिए बेल्ट लेंगे 4 इंच की और ये डीडिंग्स लेंगे, इसको हमें यहाँ पर पहले अटैच करना था तो इसको अब देखिए ऐसे सेट करेंगे और ये जो बेल्ट है इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसको हम मार्क वाली लाइन पे देखिए ऐसे यहाँ पर सेट करेंगे और स्क्वायर शेप में स्टिच करके इस साइड से और ऐसे दूसरी बेल्ट में डीडिंग को सेट करते हुए दूसरी साइड से भी हम इसको अटैच कर देंगे। दोनों साइड से हमने देखिए बेल्ट को अटैच कर दिया है 2 इंच पे डाउन करते हुए। देखिए सेंटर में हमें सेट करते हुए स्क्वायर शेप में स्टिच करना है दोनों साइड से और अब देखिए हमें 2.5x27 का ये मेन फैब्रिक लेना है और इसको हम देखिए इस साइड से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे इसकी दूसरी साइड में भी हम देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और स्टिच करके हम दोनों साइड से इसको यहाँ से लॉक कर देंगे। दोनों साइड से हमने देखिए फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है और अब देखिए इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे हम प्रेस कर देंगे, हल्का सा 1/2 इंच पे ऐसे फोल्ड करना है और ऐसे इस साइड भी 1/2 इंच पे अंदर की साइड में ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे और इसको हम देखिए एक बार और ऐसे फोल्ड करके ऐसे हम सेट करेंगे और ऐसे ही हम फोल्ड करते हुए पूरे पार्ट को हम सेट करते हुए इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से स्टिच करके इसको यहाँ से ऐसे हम रेडी कर लेंगे। इस फैब्रिक को हमने देखिए फोल्ड करते हुए ऐसे दोनों साइड से स्टिच करके लॉक कर दिया है। देखिए ये हैंडल बनके रेडी हो गया है और अब देखिए ये हम पार्ट लेंगे और ये जो डीडिंग अटैच की है इसमें हम इस बेल्ट को ऐसे रखेंगे और यहाँ पर ऐसे डबल स्टिच करके इसको साइड से लॉक कर देंगे और ऐसे इसके दूसरे साइड वाले पार्ट को हम दूसरी डीडिंग में देखिए इस साइड यहाँ पर ऐसे अंदर की साइड में करते हुए देखिए ऐसे करेंगे और इसको भी हम देखिए ऐसे सेट करते हुए डबल स्टिच करके इसको यहाँ से लॉक कर देंगे दोनों साइड से। हैंडल को हमने देखिए डबल स्टिच करके इस साइड से और ऐसे इस साइड से दोनों साइड से हमने देखिए लॉक कर दिया है और हैंडल इसमें हमारा अटैच हो गया है और ये बैक पैक बन के रेडी हो गया है। देखिए फ्रंट साइड में हमारी 2 जिप से पॉकेट्स है, एक हमारी ओपन पॉकेट इस साइड से और एक ओपन पॉकेट हमारी इस साइड से है और बैक साइड में ये देखिए एक हमारी जिप से पॉकेट आ गई है और सेंटर में हम देखिए इसको ओपन करेंगे तो इसमें अपने सामान को अच्छे से आप सेट करते हुए देखिए रख सकते हैं और एक इनर पॉकेट हमारी इस साइड से है, इसको हम देखिए जिप से ऐसे लॉक कर देंगे। इस बैग को हम देखिए दोनों शोल्डर से एडजस्ट करते हुए कैरी कर सकते हैं और इसको हम देखिए शोल्डर से ऐसे कैरी कर सकते हैं सैंडल से और इसको हम ऐसे भी कैरी कर सकते हैं। ये बैग काफ़ी यूज़फुल है फ्रेंड्स और बहुत ही यूनिक लगता है देखने में। फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा गर्ल्स बैग पैक पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।